ये फंड काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट है बिकॉज इस फंड में हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में निवेश करते हैं और इन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर अपने आप में काफ़ी डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। इसमें NBFCs, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट प्लेयर जैसे कि AMCs, ब्रोकरेजेस और फिनटेक भी शामिल है। भारत देश में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। अगर उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ तो म्यूचुअल फंड AUM एज अ परसेंटेज ऑफ GDP लगभग 15-16% है, जो बाकी देशों में 50% से अधिक है। मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जो हमारे बेंचमार्क है, इसमें हम NSE 500 जो देश की टॉप 500 कंपनियाँ हैं वो आती हैं। इनमें से हम BFSI कंपनियों को कुछ पैरामीटर्स के आधार पे फिल्टर करते हैं, जैसे कि ग्रोथ रेट, मार्केट शेयर, रिटर्न रेशियोस, कंपेटिटिव पोजीशनिंग इत्यादि। हम इसके बाद कंपनी की डिटेल वैल्यूएशन भी करते हैं, उसके बाद ही इसे पोर्टफोलियो में शामिल किया जाता है। लगभग हर निवेश की समय सीमा लॉन्ग टर्म होती है और 3 साल से अधिक की विजिबिलिटी होने के बाद ही उसे पोर्टफोलियो में शामिल किया जाता है। स्कीम डॉक्यूमेंट के आधार पर 80% निवेश BFSI सेक्टर में होना चाहिए, लेकिन जनरली स्पीकिंग हमारा 100% निवेश BFSI सेक्टर में ही है। इस फंड में मार्केट कैप की भी कोई पाबंदी नहीं है, जिससे कि हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम छोटी कंपनियों में भी निवेश कर सकें। हमारी कोशिश रहती है कि हम एक बैलेंस्ड फंड मेंटेन करें जो कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों में ही समानता से निवेश करें। जैसे कि हमारा देश भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर और कुछ वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, आने वाले वर्षों में डिजिटाइजेशन और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ हाउसहोल्ड सेविंग्स के आधार पर देश की प्रगति की ओर BFSI सेक्टर एक मुख्य द्वार बन सकता है। इस यात्रा में सहभागी बनने के लिए इस क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें।